लखीमपुर खीरी मामले में सोमवार को महाविकास अघाड़ी की ओर से महाराष्ट्र बंद आह्वान किया गया था। इस आह्वान पर शहर के वैरायटी चौक पर महाविकास अघाड़ी की ओर से मामले का निषेध किया गया। महाविकास अघाड़ी द्वारा लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में सोमवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया था। इस आह्वान पर महाराष्ट्र के साथ ही नागपुर में भी महाविकास अघाड़ी की ओर से लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का निषेध करते हुए आंदोलन किया गया। शहर के वैरायटी चौक पर तीनों पदों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एकत्रित आकर मामले का निषेध करते हुए केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस आंदोलन में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठी, शिवसेना जिला अध्यक्ष प्रमोद मानमोड़े व सेना शहर अध्यक्ष नितिन तिवारी प्रमुखता से उपस्थित थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठी ने कहा कि भाजपा शासित यूपी सरकार में किसानों पर जो अन्याय हुआ उनके सम्मानार्थ आज महाराष्ट्र बंद रखा गया है। मागच्या दोन दिवसाच्या पूर्वी जे तुम्ही पाहिलेला आहे यूपी सरकार मध्ये ज्या किसानावर जे गाडी चढवली आणि त्यांची हत्या केली सरळ सरळ ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या शासनामध्ये, तर त्याच्या विरोधात आम्ही इथे नागपूर शहरामध्ये पूर्ण नारे निदर्शने आणि सगळ्या बाजारपेठा त्या किसानाच्या सन्मानार्थ आम्ही करत आहोत। शिवसेना जिलाध्यक्ष प्रमोद मानबोड़े ने भी लखीमपुर मामले का निषेध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों का आवाज दबाने का प्रयास किया है, इसी के विरोध में महाविकास अघाड़ी रास्ते पर उतरकर आंदोलन कर रही है। ज्या प्रकारे केंद्र सरकार ने शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि शेतकऱ्यांना चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकार आणि महाविकास आघाडी हे सगळे त्यांच्या विरोधामध्ये आज संप पुकारलेला आहे आणि महाराष्ट्र बंदचं आवाहन केलेलं आहे। त्या स्वयंपूर्तीने सगळे दुकानदार, व्यापारी सगळे लोक आमच्यासोबत आहेत आणि बंद पुकारलेले। सेना के शहर अध्यक्ष नितिन तिवारी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में भाजपा ने जिस तरह से किसानों पर अत्याचार किया है, इसी का निषेध महाविकास अघाड़ी की ओर से किया जा रहा है। ये भारत के किसानों की संवेदना में लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जिस प्रकार से अत्याचार किया है किसानों पर, गाड़ियों से कुचलकर जो किसानों की हत्या हुई है, इसकी संवेदना में भारत का प्रत्येक नागरिक तैयार है। कुछ भाजपा के दलाल, कुछ भाजपा सरकार के दलाल अगर ये दिखाना चाहे कि जनता के हित में व्यापारी नहीं हैं तो वो उनकी गलत फहमी है, और ऐसे लोगों को शिवसेना तमाचों से जवाब देगी। और मेरा ये कहना है कि किसानों के सम्मान में शिवसेना आंदोलन कर रही है, शिवसेना बंद करा रही है। महाविकास अघाड़ी द्वारा जो बंद पुकारा गया है उसको सफलतापूर्वक जनता की हामी से, और व्यापारी जनता से अलग नहीं होता, प्रत्येक व्यापारी भी, क्योंकि जब वो डीजल और पेट्रोल भराने जाता है तो उसको भी 110 का आंकड़ा जेब से निकालना पड़ता है एक लीटर पेट्रोल के लिए, हताहत है इस केंद्र सरकार से प्रत्येक जनता, उसमें व्यापारी भी शामिल है। इसलिए अगर कोई ये बोलता है तो मुझे लगता है कि वो भाजपा का प्रवक्ता होगा, और भाजपा के प्रवक्ताओं की पोल खुल चुकी है। ये महाविकास अघाड़ी का बंद ही भाजपा सरकार के खिलाफ है और किसानों के सम्मान में है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे ने भी लखीमपुर मामले का निषेध किया, इसलिए महाविकास अघाड़ी ने इस बंद का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस बंद के लिए हम व्यापारियों को निवेदन कर रहे हैं कि इस बंद को हमारा सहयोग करे। ये लखीमपुर हत्याकांड आणि त्याच्या निषेधार्थ आज महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंदचं आवाहन केलं आहे। या ठिकाणी सर्व पक्षाचे लोक जमले आणि आम्ही व्यापाऱ्यांना नम्रपणे विनंती करणार आहोत की आपण या महाविकास आघाडीच्या बंदला, बंदच्या आवाहनाला आपण प्रतिसाद द्यावा आणि शांती मार्गाने हे आंदोलन आम्ही करणार आहोत। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।